और इनके साथ बहुत बड़ा जुर्म किया है राज ठाकरे ने। मैं तोड़ने गई थी बाबरी मस्जिद। नहीं, बहुत ही चीप औरत है, बहुत ही चीप सस्ती पब्लिसिटी के लिए। और बीजेपी का असली चेहरा उजागर कीजिए। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 2019 का लोकसभा चुनाव है, ऐसे में राजनीति भी जमकर हो रही है। जो पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसती थीं, आज वही सुर में सुर मिला रही हैं। एक तरफ राज ठाकरे के पार्टी MNS कांग्रेस और NCP को सपोर्ट कर रही है, तो वहीं सपा और बसपा का गठबंधन है। लोकसभा उम्मीदवार के प्रचार के लिए सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू हाशिम आजमी भिवंडी पहुंचे थे। सभा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए MNS और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ठाकरे को कांग्रेस लेके घूम रही है। मैं तमाम वो लोग जो महाराष्ट्र में हैं, और महाराष्ट्र डोमिनेट कर रहा है उत्तर भारतीयों से, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, ये सब लोग यहाँ रहते हैं। और इनके साथ बहुत बड़ा जुर्म किया है राज ठाकरे ने। ये लोग बंबई में कमाने आए थे रोजी रोटी, इनका जो है मनी ऑर्डर नहीं गया, बल्कि लाश यहाँ पे ताबूत में रखी गई है। और उस राज ठाकरे को के पीछे कांग्रेस और NCP ही थी जो बचा रही थी उसको, अब सामने खुलकर चेहरा आया है। मैं कहूँगा कि कांग्रेस साथी चेहरा देखो और कांग्रेस से इसका बदला जरूर लो। नहीं, मुझे उठगड़ा बोल रही, अरे अपना चेहरा ना देखा गया आपसे, बेवजह आईना तोड़ कर रख दिया। आप पूरे देश में वोट काट रहे हो, हम तो सिर्फ 4 सीट लड़ रहे हैं। और आपसे कहा था कि 1 सीट पे अलायंस कर रहे हो, वोट नहीं कटेगा, आप तैयार नहीं इसके लिए, तो वोट कटवाने की जिम्मेदारी आपकी है। इस दौरान अबू हाशिम आजमी ने साध्वी प्रज्ञा पर भी बोला, कहा BJP का असली चेहरा सबके सामने आ रहा है। अबू हाशिम आजमी ने BJP को आतंकवाद के मुद्दे पर भी घेरा, साथ ही कहा कि बाबरी मस्जिद का मामला कोर्ट में है और कोर्ट ही फैसला करेगी। ये ऐसा है कि बाबरी मस्जिद के बारे में किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए कि हम वहाँ मंदिर बनाएंगे या मस्जिद बनाएंगे। जो कोर्ट का फैसला होगा, हम तो चाहते हैं कोर्ट से एक ऑर्डर आ जाना चाहिए कि किसी ने भी कहा वहाँ मंदिर बनाएंगे या मस्जिद बनाएंगे, उसको 10 साल की सजा कर दो। कोर्ट का की तौहीन है। कोर्ट कह रहा है हम इंक्वायरी कर रहे हैं और जो फैसला होगा हो जाएगा। लेकिन कभी भी किसी मुसलमान ने आज तक ये नहीं कहा है कि हम वहाँ मस्जिद बनाएंगे। हम कोर्ट पे भारतवर्ष के संविधान पर पूरा भरोसा रखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से निवेदन करूंगा कि अगर ऐसे बयानात होंगे इस मुल्क के अंदर, तो कानून की धज्जियां उड़ जाएंगी और आप ही इस देश में कानून के रखवाले हो। आप इसके ऊपर 100 मोटो केस लीजिए और ऐसे कैंडिडेटर को एक केस कायम कीजिए और उनके कैंडिडेटर से ख़त्म कीजिए। क्योंकि इस तरह की बातें करना कि मैं तोड़ने गई थी बाबरी मस्जिद, यहाँ मुकदमा चल रहा है कि किसने तोड़ा, इंक्वायरी की जा रही है, और एक सामने कह रहा है कि हमने तोड़ा और फिर उनको पकड़ा नहीं जा रहा है, तो लगेगा कि लोगों को लगेगा कि इस देश में कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इस पर कुछ ना कुछ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और BJP का असली चेहरा उजागर कीजिए कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये हिंदू और मुसलमान के नाम पर आतंकवाद की बात करके ये इस देश के अंदर ये बात कर रहे हैं। अभी मोदी जी ने बहुत चिल्लाया, कह रहे भाइयों और बहनों, हिंदू आतंकवाद कैसे हो सकता है इस देश के अंदर? आज आपको बुरा लगा कि नहीं लगा? आपको गाली लगी कि नहीं लगी? कैसे कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद का? मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम हिंदू और मुसलमान आतंकवाद नहीं कहते, लेकिन गांधी जी को मारने वाला सबसे बड़ा आतंकवादी था, उसकी जात बरादरी पता लगा लो। और हम ये भी कह रहे हैं कि इसी नाला सुपारा के अंदर 12 से 15 लोग पकड़े गए हैं जिन पे UAPA लगा हुआ है, जो अभिनव भारत सनातन संस्था के हैं। तो कौन से बिरादरी के हैं मोदी जी? अगर तुम्हारी मालूमात नहीं है तो तुम मालूमात में इजाफा कर लो। बिल्कुल, कोर्ट का उल्लंघन अगर कोई करता है तो उसे कानूनी तौर पर सजा मिलनी चाहिए। मगर सबसे अहम बात अबू हाशिम आजमी ने ये कही है कि कुछ लोग ये कहते हुए घूम रहे हैं कि बाबरी मस्जिद मैंने तोड़ी है, मगर सरकार खामोश बैठी है, उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।